सूबे के पुलिस महानिदेशक एमवी राव कोयलांचल धनबाद दौरे पर पहुंचे। बरवा अड्डा एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद एसएसपी कार्यालय में उन्होंने डीआईजी प्रभात कुमार, एसएसपी असीम विक्रांत मिंज समेत तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ कोयलांचल में बढ़ते अपराध को लेकर समीक्षा बैठक की और पुलिस को अपराधियों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि सभी तरह के संगठित अपराध और उसे अंजाम देने वाले अपराधियों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आए। कोई भी अपराधी अपराध करने के बाद सीना तान कर चल नहीं पाए, ये पुलिस को सुनिश्चित करना है। वैसे अपराधियों के घरों की भी तलाशी ले पुलिस, जिसने अकूत संपत्ति अर्जित की है उसके पास इतने पैसे कहां से आए, इन तमाम चीजों के ऊपर पुलिस को फोकस करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 15 दिनों के बाद पुनः रिव्यू मीटिंग की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। बैठक हुई, क्या कुछ दिशा निर्देश धनबाद पुलिस को दिया गया? देखिए, अपराध को हर हालत में ख़त्म करना है और जो संगठित अपराध कर्मी हैं तो उनसे बहुत ही कठोरता से पेश आना है। पूरा लिस्ट बना रहा है कि विभिन्न तरह का संगठित अपराध में जो शामिल लोग हैं वो सबका लिस्ट बनेगा, सबका यहाँ खोज होगी और जो केस में वांटेड है वो जाएगा जेल, जो बाहर है उनका गतिविधि का सत्यापन होगा, उनका घरों का तलाशी ली जाएगी और अचानक जो धनी बने हैं ओवरनाइट, वो कोई स्रोत नहीं है, कोई वैध स्रोत दिखता नहीं है, किससे पैसा कमा रहा है लेकिन पैसा आ रहा है, ये कौन कौन अपराध करके कमा रहा है वो सबका जाँच होगी और उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और कोई भी व्यक्ति को अपराध करके एकदम सेना तान का चलने का जो प्रवृत्ति है उसको हम लोग हर हालत में मिटा कर रहेंगे। किसी को भी कोई छूट नहीं दिया जाएगा और सभी तरह के अपराध कर्मियों के साथ एक जैसा व्यवहार होगा और हम लोगों को कोई जाति धर्म और कोई दूसरा चीज़ से मतलब नहीं है। जो गड़बड़ करेगा उनके साथ बड़ी कठोरता से पेश आएंगे और इसमें पीछे नहीं हटना है किसी को, सबको समझा दिया और 15 दिन के बाद फिर रिव्यू होगा। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे एचबीएन न्यूज।